सुल्तान फरीजे से रब्ता करता है और सोचता है कि फरीजे पता नहीं उससे रब्ता क्यों नहीं करता, इसलिए वो खुद ही खून करता है। फरीजे जो पैसा का बदला वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उससे बदला लेने का प्लान बना। जैसे ही वो उसे फ़ोन करता है तो वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है, उसकी बातों को रिकॉर्ड, वो उसके साथ वही बातें करता है जो सुल्तान को पसंद हो। सुल्तान हैरान होता है कि इसको क्या हो। सुल्तान उसे मिलने के लिए कहता है लेकिन वो उसे टाल मटोल कर कहती है कि वो भी उससे कुछ दिनों के बाद। सुल्तान उसे कहता है कि कुछ दिनों के बाद तुम ला, मैं तुमसे कोई बहाना नहीं, चुप कर। उधर सुल्तान ऐसा से कहता है मुझे जैसी परफेक्ट, आज हर लिहाज से परफेक्ट है, मुझे ऐसी लड़की, वो उसकी इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है, असर बहुत तंग आ जाती है लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त। वो सोचती है सुल्तान उसके साथ इतना अच्छा, बस वो उसको देखकर सब कुछ भूल जाता है और इस इन लम्हात वो सुल्तान की बहुत सुल्तान देख को पता होता है असरा उसे बहुत, इसलिए वो उसे धोखा, वो असरा की खुशी की खातिर उसके साथ और उसे कहता है कि वो उसके साथ सिंसियर। लेकिन जब मिशेल का मामला बीच में आता है तो असरा फिर डाउन डाउन हो, लेकिन उसे इस बात का एहसास कि सुल्तान उसके साथ बहुत अच्छा है, वही उसके लिए उसकी फ्रेंड के साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है।